एक बार एक आदमी गांव से होकर गुजर रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक हाथी पतली रस्सी से बंधा हुआ है। यह देखकर वह चौंक गया क्योंकि रस्सी बहुत पतली थी, लेकिन हाथी बहुत विशाल था। फिर भी वह रस्सी को तोड़कर भागने की कोशिश नहीं कर रहा था। उसके बाद वह आदमी हाथी के मालिक के पास जाता है और पूछता है, भाई तुम इतने बड़े हाथी को इतनी पतली रस्सी में बांध कर रखते हो, क्या कभी यह छुड़ाकर नहीं भागती है? फिर उस हाथी के मालिक ने कहा कि असल में जब हाथी छोटा था तो उस समय इसे और इसके भाई को मैंने उसे इस पतली रस्सी से बंधा था। ये लोग उस समय रस्सी तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बहुत छोटे थे इसलिए रस्सी नहीं तोड़ पाते हैं। और अब जब यह हाथी इतना बड़ा हो गया है तो इसे अभी भी लगता है कि यह पतली रस्सी इससे नहीं टूटेगी, इसलिए यह तोड़ने की कोशिश नहीं करता है। फिर वह आदमी पूछता है कि इस हाथी का भाई नहीं दिख रहा है, वह कहाँ है? हाथी का मालिक कहता है कि इस हाथी का भाई कुछ समय पहले ही अपने पतली रस्सी को तोड़कर भाग चुका है। इसी तरह से हम भी होते हैं। एक बार हम जिसमें असफल हो जाते हैं, हमें लगता है कि वह काम अब नहीं हो सकता, लेकिन आपको दुगनी ताकत से मुसीबत के खिलाफ लड़ना चाहिए। हर मुसीबत आपसे छोटी होती है। निष्कर्ष पहचाने, अपने आप को, अपने अंदर की ताकत को, कोई भी मुसीबत बड़ी नहीं होती है। और हाँ, आप लोगों को इन सब चीजों में दिलचस्पी है तो हमारे पेज को फॉलो करके हमारे साथ जुड़े रहिए।